गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उड़ान एजुकेशन हब। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज को कर रहे थे, मैं अपना पार्ट वन जिसके अंदर इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी को मैंने डिस्कस किया है, मैं उसको डाल चुकी हूँ। जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा है वो देख सकता है। हिंदी में मैंने इसको बोला था मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक नीति। इसके अंदर हम अब तक जो देख चुके हैं उसके अंदर हम लोग देख चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला था कि मुद्रास्फीति क्या होता है, किस वजह से होता है, डिमांड एंड सप्लाई का क्या रोल रहता है। उसके बाद मैंने देखा था कि डीफ्लेशन यानी अवस्फीति क्या होता है, डियर मनी पॉलिसी क्या है, कब इसको यूज करेंगे, चीप मनी पॉलिसी क्या है, कब इसको यूज करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भारत के अंदर जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक नीति समिति जो है, जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, जिसका चेयरमैन RBI का गवर्नर होता है, वो इस देश के अंदर महंगाई कितनी होगी इस चीज को निश्चित करते हैं। ये लोगों का सिर्फ ये काम होता है कि ये देखेंगे 4 से नीचे ना जाए और 6 से ऊपर ना आए, लेकिन इसको मेंटेन कौन करके रखता है, वो रखता है RBI। ये बात भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब RBI के पास क्या ऐसा हथियार होता है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। देखो, RBI के पास 2 टूल होते हैं। एक को बोला जाता है क्वांटिटेटिव टूल्स और एक को बोला जाता है क्वालिटेटिव टूल्स। हिंदी में इन दोनों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमाणात्मक उपकरण और इसको बोलते हैं गुणात्मक उपकरण। परिमाणात्मक उपकरण तथा गुणात्मक उपकरण। देखो, इसको क्वांटिटेटिव क्यों बोला है, क्वांट का मतलब होता है काउंट करना। कोई भी वो चीज जिसको आप गिन सको, कोई भी वो चीज जिसको आप डिजिट्स के अंदर बता सको, वो सारे आ जाएंगे क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर। क्वालिटेटिव टूल का क्या मतलब होता है, जैसे सुंदरता है, वो एक गुण है, आप उसको यूं नहीं बता सकते कि कोई इंसान कितना सुंदर है, वो एक किसी इंसान का नेचर है, गुण है वो। तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आएगा रिजर्व रेशो। इसको हिंदी में बोला जाता है आरक्षित अनुपात। दूसरा जो आता है इसके अंदर आता है, उसको बोलते हैं OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है खुले बाजार की प्रक्रिया। क्या होता है देखेंगे आगे इसको। तीसरे नंबर का जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, उसके अंदर सारी रेट्स आ जाएंगी आप लोगों को। इसको हिंदी में बोला जाता है दर आ जाएंगी, जिसमें पहली रेट आएगी उसको बोलेंगे रेपो दर। हिंदी में जो नेक्स्ट आपका जो रेट आएगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। इसके बाद जो रेट आएगा उसको बोला जाएगा, तीसरे नंबर का जो रेट आएगा उसको बोलेंगे बैंक दर। हिंदी में बैंक दर बोलेंगे। चौथा आएगा उसको हिंदी में बोला जाएगा सीमांत, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं बेस रेट। ये कुछ रेट्स हैं, कुछ दर है, जो हमारे क्वांटिटेटिव टूल का उदाहरण है। देखो, हम लोगों ने एक चीज की रिजर्व रेशो, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन और तीसरा रेट्स, जिसके अंदर ये मल्टीपल रेट्स आते हैं। रिजर्व रेशो के अंदर 2 भाग आएंगे, एक को बोला जाता है CRR और दूसरे को बोला जाता है SLR। CRR और SLR क्या होता है हम अभी समझेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखो, सबसे पहले ये चीजें समझनी है तो उससे पहले हमको ये समझना होगा कि बैंक कैसे काम करता है। बैंक क्या है, बैंक को आप एक दुकान समझ के चलो। बैंक वैसे एक कंपनी होती है, बैंक को आप एक शॉप समझ के चलो, एक दुकान समझ के चलो। दुकान के अंदर जितना लागत से सामान वो मतलब अपनी दुकान के अंदर लोड कर रहा है, उससे ज्यादा
रुपए के अंदर उसको बेचेगा। कहने का मतलब क्या है, खरीद कम में रहा है और बेच ज्यादा में रहा है, बचा हुआ जो मार्जिन होता है वो बैंक, वो इसका किसी भी दुकान का प्रॉफिट होता है। सेम केस बैंक के साथ होता है। कैसे, मैंने मान लिया यहाँ पे बैंक के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग जमाकर्ता यानी डिपॉजिटर्स, जैसे हम लोग कुछ भी डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, और एक को बोलते हैं बोरोवर। बैंक कौन हो गया, लेंडर, लेंडर का मतलब है देने वाले, जो पैसे को दे रहा है। बोरोवर कौन है, जो उधार मांग रहे हैं, उधार लेने वाले। बैंक कौन है, उधार देने वाला। अब देखो क्या होता है, हमने बैंक में रुपए जमा किए, बैंक हमको ब्याज देगा, बैंक ने, मैंने मान लिया बैंक ने मुझे 4% ब्याज दिया मेरी जमा राशि पे। अब जिन्होंने लोन लिया है वो बैंक को उधारी, वो बैंक को ब्याज देंगे। जिन्होंने बैंक से उधार लिया है, जिन्होंने बैंक से बोरो किया है, वो बैंक को ब्याज दे देंगे। मैंने मान लिया 12% जो है वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, बचा हुआ जो 1% होता है इसको बोला जाता है बैंक का स्प्रेड, या मैं देसी भाषा में इसको कह दूं कि यही बैंक का प्रॉफिट है। तो बैंक की जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि जितना पैसा डिपॉजिट हो मैं जल्दी से जल्दी उसको लोन में दे दूं, क्योंकि वहीं से ही बैंक की कमाई हो रही है। ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये तो बैंक की लागत है 4% वो हमको दे रहा है, और ये क्या है, बैंक की कमाई 12%, क्योंकि यहाँ ये रुपए उसको बाहर से मिल रहे हैं। 4% वो लगा चुका तो 8% जो बचा हुआ मार्जिन है वो उस बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी बैंक की कोशिश ये रहती है मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोन लोगों में बांट सकूं। अब लोन जितना ज्यादा होगा, हमने ये समझा था, उतनी ज्यादा हम लोगों की डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा ही इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। क्या होता है इसको देखते हैं। देखो जो लोन देता है, एक इंसान है जो लोन दे रहा है और एक इंसान है जो लोन ले रहा है, दो तरह के लोग हो गए, जो लोन दे रहा है और जो लोन ले रहा है। देखो जो जिसने लोन दिया वो क्या कर रहा है, ये इसको अपने पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है, और बदले में ये इस इंसान को ब्याज दे रहा है। अब आप एक चीज समझो, यही काम हम बैंक के साथ करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बैंक को अपने रुपए दे रहे हैं, बदले में बैंक हमको क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। यानी हमारी जमा राशि बैंक के लिए एक तरह का कर्ज है। मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी जमा राशि बैंक के लिए क्या है, एक तरह का कर्ज है, क्योंकि वो हमको वापिस ब्याज दे रही है जितना रुपया हमने बैंक में जमा किया है। ठीक है, इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाएगा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कह दूं या मैं हिंदी में कह दूं कर्ज है, या देयता भी इसलिए इसको बोल देते हैं प्योर इकोनॉमिक्स टर्म्स में, देयता। ठीक है, ये अलग अलग चीज है, कर्ज अलग है, देयता अलग है, लाइबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। देखो अब क्या होता है, दो तरह की लाइबिलिटी होती है, एक को बोला जाता है डिमांड लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी यानी मांग देयता इसको हिंदी में बोलते हैं, मांग देयता। दूसरी चीज होती है हमारी टाइम लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी इसको हिंदी में बोला जाता है समयावधि देयता। क्या होती है दोनों चीज, इसको समझते हैं हम लोग, समयावधि देयता। देखिए डिमांड लाइबिलिटी के अंदर क्या होगा, पहले मैं आप लोगों को डिमांड लाइबिलिटी बताती हूँ, जिसको मांग देयता मैंने बोला है हिंदी में। मांग देयता का मतलब क्या है, मैंने जब डिमांड की मेरे हाथ में तभी रुपया आ गया, जब डिमांड की, जब डिमांड की मैंने तभी रुपया मिल जाना। मैं बिल्कुल आपको बेसिक टर्म्स में बता रही हूँ, बिल्कुल घरेलू समझ के आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोग अपने से रिलेट करके इकोनॉमिक्स को समझ सको। जब डिमांड की तभी रुपया मिल गया, मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अपना कोई करंट अकाउंट खुलवा रखा, मैंने अपना कोई सेविंग अकाउंट बैंक के अंदर खुलवा रखा, मैंने क्या किया अपना ATM कार्ड यूज किया, मेरी जब इच्छा आई मैंने बैंक से ATM कार्ड यूज किया और अपने रुपए ले लिए। समझ रहे हो, आपने जब डिमांड की, आपने जब मांग की, उसी समय आपको रुपए मिल गए। अब दो शब्द पढ़े हमने, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं चालू खाता और सेविंग अकाउंट को बोलते हैं हिंदी में बचत खाता, दोनों में क्या फर्क है। देखो करंट अकाउंट होगा बिजनेसमैन का, मतलब इसके अंदर पैसे की धारा प्रवाह बनी हुई है, पैसे का करंट बना हुआ है, जल्दी जल्दी लेन देन इसके अंदर चलता रहेगा, बिजनेस वालों का करंट अकाउंट होगा। सेविंग अकाउंट बाकी वो लोग, जैसे स्टूडेंट लाइफ हो गई
जैसे हमारे घर में हमारी मदर है जो बिजनेस नहीं कर रही है, हाउस वाइफ है, मतलब कभी कभी रुपया जमा हो रहा है, कभी कभी निकल रहा है। लगातार लेन देन के लिए जो अकाउंट होता है करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट पे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट बैंक हमको देता है, पर्टिकुलर ब्याज हमको देता है। समझ चुके होंगे आप लोग कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फर्क है। ये दोनों ही डिमांड लायबिलिटी के उदाहरण है। इसी तरह टाइम लायबिलिटी क्या होता है, समयावधि देयता जिसको मैंने बोला, जैसे आप समझो फिक्स डिपॉजिट जिसको एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। इसके अंदर क्या है, हम लोगों ने रुपए जमा करा दिए, मैंने मान लिया मैंने 2 लाख की एफडी करा दी, मैंने ये मान लिया मैंने 2 लाख की एफडी करा दी और बैंक वाले बोला 4 साल के लिए आपकी एफडी है, यानी 4 साल से पहले मैं अपने रुपए नहीं निकलवा सकती। अगर निकलवाती हूँ तो मेरे को 2 लाख के कुछ कम रुपए मिलेंगे, कुछ रुपए कट के मिलेंगे। इस चीज को बोला जाता है समयावधि देयता, यानी कोई भी इंसान एक टाइम की लिमिट में बंध गया है कि उससे पहले रुपए नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, दो चीज है, टाइम लायबिलिटी एंड डिमांड लायबिलिटी, मांग देयता और समयावधि देयता। मांग देयता के एग्जांपल है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, चालू खाता, बचत खाता। डिमांड ड्राफ्ट भी जो आएगा वो डिमांड लायबिलिटी का एग्जांपल है। एफडी जो है वो टाइम लायबिलिटी का एग्जांपल है। अब देखो क्या होता है, कोई भी ये बैंक है, मैंने मान लिया कोई भी बैंक है ये, इसके अंदर बहुत सारे लोग एक दिन के अंदर रुपए जमा करवाने भी आ रहे हैं और एक दिन के अंदर रुपए निकलवाने भी आ रहे हैं। मैंने मान लिया ये 3 लोग हैं जो 100-100 रुपए को जमा करवाने आते हैं, ये टोटल 300 रुपए जो है वो जमा हो गए किसी भी बैंक में। उसी ही दिन 2 लोग आ जाते हैं, हमारे 100-100 रुपए निकाल दो, तो कितने रुपए निकल गए, 200 रुपए निकल गए। बैंक में कितने रुपए बचे, 100 रुपए बचे। ये 100 रुपए क्या बोला जाएगा, ये 100 रुपए बैंक का NDTL बोला जाएगा। इसको बोलेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी NDTL, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसके बिना आगे का लेक्चर समझ नहीं आएगा। आप लोग समझो, सिंपल सी भाषा में मैं अगर ये कहूँ कि जमा, मैंने जितने जमा किए माइनस जितने विड्रॉल कर लिए, जितने निकाल लिए, जो बचा वो मेरा NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी हो जाएगा। मैं इसको बोलूंगी कुल मांग व समयावधि देयता, कुल मांग व समयावधि देयता। ठीक है, मैं अपने हर केस में NDTL को 100 लेके चलूंगी। मैंने जितने जमा किए, एक दिन के अंदर 300 रुपए जमा हो रहे हैं और एक दिन के अंदर 200 रुपए निकल रहे हैं, तो 100 रुपए जो बचा वो बैंक का NDTL हो गया। अब देखो यहाँ तो हमने 100, 200, 300 में बात कर ली। बैंक के अंदर पैसे की अमाउंट बहुत बड़ी रहती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, तो बहुत ज्यादा रुपए जमा भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रुपए निकल भी रहे हैं, तो रोजाना तो ये कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो बैंक क्या करता है, हर 15th डे को, फ्राइडे को अपना NDTL कैलकुलेट करता है। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, CGL के लिए इंटरव्यू नहीं है, जिन जिन एग्जाम्स में इंटरव्यू है ये वहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि फ्राइडे को, हर 15th डे को NDTL प्रत्येक बैंक अपना काउंट करता है, फ्राइडे शुक्रवार। ठीक है, जैसे आज फ्राइडे है मान लिया, अगला फ्राइडे छोड़ दो, ठीक है 7 दिन हो गए, फिर अगले फ्राइडे को फिर से NDTL काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमने सबसे पहले कौन सा क्वांटिटेटिव टूल पढ़ा, उसका नाम है रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो हिंदी में मैंने इसको बोला आरक्षित अनुपात। अब क्या होता है इसको समझते हैं। इसके अंदर मैंने आपको 2 चीज बताई, एक बताया CRR और एक बताया SLR, एक बताया CRR और एक बताया SLR। देखो CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। CRR होता है कैश रिजर्व रेशो, इसको हिंदी में बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जिसको अगर कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं उस चीज को दोबारा से रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए। SLR देखो क्या होता है, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसको क्या बोला जाता है, वैधानिक या संवैधानिक तरलता अनुपात। क्या होता है दोनों ये समझते हैं। देखो मैंने क्या माना कि मेरा NDTL कितना निकला था, मेरा NDTL निकला 100 रुपए। हर बैंक का अपना अलग अलग NDTL निकलेगा, किसी में कितने रुपए जमा हो रहे हैं कितने निकल रहे हैं, किसी में कितने जमा हो रहे हैं कितने निकल रहे हैं। मैंने माना मेरा जो बैंक है वहां पे NDTL 100 रुपए है।
अब प्रत्येक बैंक के लिए ये जरूरी हो जाएगा कि अभी के लिए सीआरआर चल रहा है 4%, अभी के लिए सीआरआर चल रहा है 4% और एसएलआर चल रहा है 19.50%। हर 2 महीने के बाद आरबीआई देखता है कि इसको चेंज करना है या नहीं करना। अभी के लिए 4% और 19.5% चल रहा है, सीआरआर चल रहा है 4%, 100 का 4% कितना हो गया, 4 रुपए। तो प्रत्येक बैंक के लिए ये जरूरी है कि अपने एनडीटीएल का 4 रुपए टोटल, यानी 100 का 4 रुपए हम आरबीआई के पास जमा करके आए, किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, नगद की फॉर्म में। अब आप एक चीज समझिए, हम लोग लोन लेने जाते हैं कहाँ से लेने जाते हैं, या तो एसबीआई से या पीएनबी से, ठीक है, या बैंक ऑफ बड़ौदा से, यानी जितने भी ये नीचे के बैंक हैं हम वहाँ से लोन लेते हैं, हम आरबीआई से लोन नहीं लेने जाते, सीधी सी बात है। जैसे बिजली चली जाती है धीरू भाई अंबानी के पास तो नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, उत्तर भारत में फ़ोन करेंगे, दक्षिण भारत में फ़ोन करेंगे, उत्तर हरियाणा में फ़ोन करेंगे, दक्षिण हरियाणा में फ़ोन करेंगे, अपने अपने स्टेट के अलग अलग जोन्स के अंदर फ़ोन करेंगे। इसी तरह हमको लोन लेना है तो हम आरबीआई में नहीं जाएंगे, अलग अलग बैंक्स के अंदर जाएंगे। क्या मतलब हो गया, जितना पैसा आरबीआई के पास चला गया वो पैसा बाजार में लोन के रूप में तो आ नहीं सकता, ठीक है, यानी वो पैसा आरबीआई के पास जाके ब्लॉक हो गया, ठीक है। इस जो 4% है एनडीटीएल का, कितना प्रतिशत हमको आरबीआई के पास रखना है उसको बोला जाएगा नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। नगद क्यों, क्योंकि हम नगद की फॉर्म में रख रहे हैं, आरक्षित क्यों, क्योंकि हम रिजर्व करके रख रहे हैं, अनुपात क्योंकि टोटल का एक फिक्स्ड रेशो है कि हमको वहां पे रखना ही रखना है, इसको सीआरआर बोलते हैं। प्रत्येक बैंक इस बात को मानेगा, अगर नहीं मानेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। इसके बाद है एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो यहाँ पे भी हमारा एनडीटीएल में क्या मान के चल रही हूँ, 100 रुपए मेरा एनडीटीएल है, ठीक है। अब 100 रुपए में से 4 रुपए कहाँ चले गए, आरबीआई के पास चले गए, ठीक। अब इसी तरह 100 रुपए का 19.5% के हिसाब से 19.5 रुपए कहाँ चले जाएंगे, बैंक खुद के पास रखेगा, बैंक खुद के पास रखेगा, किसी को लोन में नहीं देगा, याद रखना, ना तो सीआरआर का पैसा किसी को लोन में जा रहा है, ना ही एसएलआर का पैसा किसी को लोन में जा रहा है। यहाँ पे बैंक खुद के पास रखेगा, किस किस फॉर्म में, कैश की फॉर्म में रख दिया, गोल्ड की फॉर्म में रख दिया, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में रख दिया। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। यानी मैंने क्या कहा कि एसएलआर का पैसा टोटल एनडीटीएल का 19.5% यानी 19.5 रुपए कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में बैंक ने खुद के पास रख लिया, लोन नहीं दिया। तो जितना परसेंट बैंक रख रहा है अपने पास उसको बोला जाएगा एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दो चीज समझ ली। अब हम लोग इसको मुद्रास्फीति से रिलेट करते हैं क्योंकि हम मुद्रास्फीति के चैप्टर के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। अब आप एक बात सोचो, पहले मैं सीआरआर का बताती हूँ कि इन्फ्लेशन में सीआरआर को कम करें या घटाएं, ठीक है, कैसे करना है हमको। मैं एनडीटीएल दो केस लेके चल रही हूँ, मैंने एनडीटीएल दोनों ही केस में 100 रुपए ले लिया। एक केस में सीआरआर मैं मान लेती हूँ 4% है और एक केस में मैंने मान लिया 8% है। यहाँ पे आरबीआई के पास कितने रुपए चले गए कैश में, 4 रुपए, और यहाँ पे कितने चले गए, 8 रुपए। मैं एसबीआई का केस लेके चलती हूँ, कोई भी बैंक यहाँ हो सकता है, एसबीआई के पास कितने बच गए, 96 रुपए, और यहाँ पे बच गए 92 रुपए। 100 माइनस 4 96, 100 माइनस 8 92, यानी यहाँ से लोन ज्यादा जाएगा बाहर क्योंकि ज्यादा रुपए बैंक के पास पड़ गए हैं, और यहाँ पे लोन कम जाएगा क्योंकि कम रुपए है बैंक के पास लोन में देने के लिए। तो जितना लोन ज्यादा उतनी महंगाई ज्यादा, उतनी डिमांड ज्यादा, आप लोगों की जेब में पैसा ज्यादा आएगा। जितनी डिमांड ज्यादा उतनी इन्फ्लेशन ज्यादा, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं सीआरआर को बढ़ा दूंगी, यानी बैंक के पास कम रुपया बचा देंगे हम लोन में देने के लिए, जिससे डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो मेरा कंक्लूजन क्या निकला, टू रेगुलेट या टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सीआरआर शुड बी या सीआरआर मस्ट बी इंक्रीज। टू रेगुलेट इन्फ्लेशन सीआरआर मस्ट बी इंक्रीज। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए या मुद्रास्फीति को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर को बढ़ा देंगे। ज्यादा पैसा आरबीआई को दे देंगे, कम पैसा बैंक में बच जाएगा लोन बाहर जाने के लिए।
अब आगे चीज देखते हैं हम लोग एसएलआर को कैसे मुद्रास्फीति से रिलेट करते हैं। एसएलआर हमने क्या पढ़ा कि 19.5 रुपए जो है वो कहाँ पे चले जाएंगे, बैंक के खुद के पास चले जाएंगे, लोन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया, अगेन मैं दो केस मान के चल रही हूँ, एक में एनडीटीएल 100 रुपए, दूसरे में भी एनडीटीएल 100 रुपए। एक में एसएलआर मैंने मान लिया, मैं मान के चल रही हूँ 20% है, और एक में एसएलआर मैंने मान लिया 22% है। यहाँ पे बैंक खुद के पास कितने रखेगा, 20 रुपए, और यहाँ पे बैंक खुद के पास रखेगा 22 रुपए। लोन में देने के लिए बैंक के पास कितने रह गए, 80 रुपए, और यहाँ पे रह गए 78 रुपए। तो किस केस में बैंक ज्यादा लोन दे रहा है, जब एसएलआर मेरा कम है, यहाँ पे लोन ज्यादा होगा, यहाँ पे लोन ज्यादा होगा, और यहाँ पे लोन कम होगा। ठीक है, जितना लोन ज्यादा उतनी ज्यादा महंगाई, मैं आपको पहले भी बता चुकी। तो एसएलआर को हम लोग बढ़ाएंगे अगर मुझे इन्फ्लेशन को कम करना है तो, यानी बैंक के पास खुद के पास ज्यादा पैसा रुका हुआ होना चाहिए अगर बैंक को इन्फ्लेशन को कम करना है। एसएलआर भी बढ़ाएंगे, सीआरआर भी बढ़ाएंगे हम लोग इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो, हमने सीआरआर और एसएलआर पढ़ लिया है, अब एक चीज और देखो दोनों में। सीआरआर पर कोई प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सारा पैसा कहाँ जा रहा है, आरबीआई के पास, कैश की फॉर्म में जा रहा है, और हम लोग उससे कोई फायदा नहीं ले सकते, बैंक कोई फायदा नहीं ले सकता। लेकिन एसएलआर में क्या है, गोल्ड की फॉर्म में भी है वो पैसा, कैश की फॉर्म में भी है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति के रूप में भी उसके पास आरक्षित है, बैंक के पास आरक्षित है, लेकिन लोन में नहीं दे रहा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बैंक कमा सकता है। कैसे कमा सकता है, वो क्या करेगा, गोल्ड में रिजर्व कर देगा। मैंने मान लिया आज 10 रुपए 1 तोला है, मैंने ऐसा मान लिया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं मान रही हूँ कि 10 रुपए 1 तोला है, कल बढ़ के ये 15 रुपया 1 तोला हो जाए, तो क्या करेगा बैंक, इसको बेच देगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठा होगा कि अगर ये सोना का भाव जो है वो कम हो जाए, उस केस में क्या होगा। उस केस में देखो, बैंक नहीं बेचेगा गोल्ड को, गोल्ड में ही रिजर्व रखेगा, और ये वेट करेगा कि कब इसकी राशि जो है वो बढ़े, ताकि मैं इसको कैश में करवा सकूं। तो ये जो था, ये सीआरआर और एसएलआर आपका आरक्षित अनुपात का कंसेप्ट था। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्टेटमेंट डाल के कि आपको ये समझ नहीं आया, मैं अगेन उसको रिपीट करूंगी। कल हम पहले कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए। कुछ भी समस्या हो आप लोग स्टेटमेंट्स में मुझे लिखे, कमेंट्स में मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।